आपका दोस्त एंड होस्ट पिंटू सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल कैपटेक इन्फो में। और आज हमको आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी फोटो को एमबी से केबी में कैसे बदलेंगे। देखिए ये हम फोटो खोले हुए हैं, ओपन किए, और ये बाय डिफॉल्ट इसी में खुलता है। इसको पिक्चर मैनेजर में हम लोग खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में एडिट करेंगे एडिट बटन पर। उसके बाद जरूरत अनुसार अगर ऊपर स्पेस है तो हम चाहेंगे तो हटा सकते हैं, इससे भी जगह हमको कुछ मिल जाती है। एडिट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, ओके करेंगे, बस इतना हो गया। आपको एक और बता रहे हैं, एक दो ठो बता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा जल्दी में होंगे तो आपको आसानी होगी। आसानी से देखिए एडिट किए, क्रॉप किए, ओके। इसको क्या करेंगे, फिर एडिट में आएंगे, कंप्रेस पिक्चर में आएंगे, डॉक्यूमेंट कंप्रेस। देखिए 6.54 MB में था, 242 KB में आ गया। बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कठिनाई नहीं है। ये आपको ऐसे चाहिएगा तो यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, आपको फोटो भी बनाना है तो बाहरी एरिया को काट सकते हैं। यहाँ देखिए ये सीधे यहाँ से पकड़िए, फिर नीचे से पकड़िए, दो ही बार में हो जाएगा। ओके, एडिट पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर, डॉक्यूमेंट, ओके। और मान लीजिए कि 200 में नहीं चाहिए हमको, 100 एकड़ में नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 100 MB से, 100 KB से कम ही चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए? कुछ नहीं, सिर्फ वेब पेज पर क्लिक करेंगे। देखिए 46.5 KB में आ गया, ओके कर देंगे, हो गया फिनिश। बस 2 सेकेंड का वर्क है। ऐसे चाहे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक।